कैसे देश हमारा आगे जाए, किसको हम सिलेक्ट करें कि हर एक जनता का भला हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया। सर, मैंने अपना वोट दिया मतलब प्रयोग किया है संविधान की रक्षा के लिए, जिस संविधान के तहत जीते हैं, खुले स्वतंत्र में हवा लेते हैं। सर, महंगाई हो जाए मगर विद्या तो कम से कम फ्री हो जाए कि बच्चे लोग शिक्षा दे दें। लोकसभा चुनाव 2024 का आज अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इस समय हम पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, हम आपको बता दें यहाँ पे लगभग 19,94,000 तक के वोटर हैं जो तय करेंगे कि वाराणसी का सांसद कौन होगा। हम यहाँ पे आए हैं, ये आदर्श पोलिंग बूथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग वोट देने के बाद यहाँ पे खड़े हैं। इनसे बात करेंगे लोगों ने किन चीज़ों को लेकर अपने वोट का प्रयोग किया, किन चीज़ों को लेकर आपने वोट दिया, क्या विचार था? हमारा विचार देश का निर्माण, कैसे देश हमारा आगे जाए, किसको हम सिलेक्ट करें कि हर एक जनता का भला हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने वोट किया। ये आपने वोट का प्रयोग किया सर, क्या सोच के किस बातों को लेकर मतदान किया? सर, काफ़ी देश में गड़बड़ी वाली आतंकवादी थे सब, जो है इन सब के ऊपर कंट्रोल हुआ, महंगाई के ऊपर कंट्रोल हुआ, बिजली का समस्या था जो है वो नहीं थी, यहाँ बिना लाइट के बनारस में रह नहीं पाते थे जो है, अब इन सब से एक अच्छा नेता हमें मिला जो है। किन मुद्दों को लेकर आपने मत का प्रयोग किया? बनारस बड़ा उपेक्षित था चूँकि धार्मिक नगरी थी और इस उपेक्षा का शिकार रहा कई पिछले 20 वर्षों में, और अब जो जाके बनारस की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से पटरी पे है, और ये सांस्कृतिक नगरी आज काशी जो सबसे प्राचीन कंट्री है, जो सबसे प्राचीन देश है, उसके विकास का श्रेय जाता है कई लोगों को, और इसीलिए हम लोगों ने ये वोट दिया कि ये विकास और भी वोट। सर, मैंने अपना वोट दिया मतलब प्रयोग किया है संविधान की रक्षा के लिए, जिस संविधान के तहत जीते हैं, खुले स्वतंत्र में हवा लेते हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, संविधान की रक्षा हो और लोकतंत्र का निर्माण हो, नए लोकतंत्र के निर्माण को लेके और लोग हैं हमारे पास, हम बात करेंगे। मैम, आपने वोट दिया, क्या विचार? मैंने वोट दे दिया। क्या किन बातों को लेके? मैं अपने राष्ट्रहित के वोट में दिया, राष्ट्रहित के, महिला सुरक्षा भी, महिला सुरक्षा रहे। आपने वोट किया मैम? जी सर। किन मुद्दों को लेके? सर, राष्ट्रहित के पक्ष में दिया है, डेवलपमेंट के पक्ष में दिया है, बहुत सी चीजें हैं, महिला सुरक्षा, रोजगार और एंटरप्रेन्योर, बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आगे डेवलपमेंट्स हैं, उसके हित में दिया है सर। मैम, आपने वोट दिया, इन बातों को विचार में रख के वोट दिया? सर, हम लोग को बहुत परेशानी थी, महंगाई इतनी काफ़ी हो गई थी, हम लोग बहुत परेशान थे, बच्चे लोग को विद्या नहीं दे सकते थे, हम लोग सोचते महंगाई हो जाए मगर विद्या तो कम से कम फ्री हो जाए कि बच्चे लोग को शिक्षा दे दे, शिक्षा को लेकर शिक्षा दे। आपने वोट का प्रयोग किया? देश की प्रगति, सार्वजनिक विकास और पूरा देश एक साथ चले, इसी सब विचारों पर, देश एक साथ एकजुट तो विभिन्नता ना हो। सर, आपने वोट दिया, किन विचारों को लेके मत का प्रयोग किया? शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन सब कुछ चीजों को सोचते हमने वोट दिया। जी, और लोग, अभी आपने वोट का प्रयोग किया, किन मुद्दों को लेके आपने अपना वोट दिया, बता दिया? विकास हो और सब शिक्षा है। ठीक है, तो हमने यहाँ लोगों से बात किया, इनका लोगों का कहना था कि शिक्षा, सुरक्षा, राष्ट्रहित, देश निर्माण के लिए अपने वोट का प्रयोग किया, और बनारस में तपती धूप के बाद भी लोग लगातार वोट देने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और मतदान का ये क्रम, ये महापर्व जारी है। हम भी आपसे निवेदन करेंगे, आप भी घरों से निकल कर मतदान अवश्य करें। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, आधान हिंदी।